प्रदेश की सुलभ स्वास्थ्य की, यानी कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के 50 जिला अस्पतालों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन किया और इनका संचालन रेडक्रॉस के जरिए किया जाएगा। कार्यक्रम भोपाल के कुशभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। इसके अलावा 51,000 प्रधानमंत्री आवासों का गृह प्रवेश भी हुआ। कार्यक्रम में भोपाल को स्वच्छता सर्वेक्षण में 5 स्टार रेटिंग मिलने पर नगर निगम के 8,117 सफाई मित्रों को 5,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि दी गई। राज्यपाल मंगू भाई पटेल और सीएम ने सिंगल क्लिक से राशि खातों में ट्रांसफर की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, पीएम मोदी के जन्मदिन पर आज से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा चलेगा। वहीं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि राज्यपाल ने मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष रुचि दिखाई है। मैं राज्यपाल और सीएम को भरोसा दिलाता हूं कि मध्य प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में शिखर पर रहेगा। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि स्वच्छता सेवा पखवाड़े में हम सब काम कर रहे हैं। तो बड़ी सौगात आज मध्य प्रदेश में मिली है, जब सीएम ने जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन किया है और भोपाल के जो सफाई मित्र हैं, जो लगातार काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि से भी नवाजा गया है। तो सस्ती दरों में अब गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां मिलेंगी, यानी इसके फायदे हैं, मरीजों को ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50% से लेकर 90% तक कम दाम पर दवाइयां उपलब्ध होंगी। इसकी खास ये फायदे हैं, यानी आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं परिवार, उनको विशेष रूप से इसका फायदा पहुंचेगा। तो सस्ती और सुलभ दवाओं के माध्यम से लोग इलाज को अपना जारी भी रख पाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि लोग अपना बीच में ही इलाज छोड़ देते थे। लेकिन अब विशेष रूप से अगर शुगर की बात करें, ब्लड प्रेशर की बात करें, हार्ट रोग जैसी पुरानी बीमारियों के प्रबंधन को लेकर ये जो केंद्र है वो खास तौर से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दिखेंगे। तो अब ब्रांडेड दवाओं पर निर्भरता लोगों की धीरे धीरे कम होगी अगर इस तरह से औषधि केंद्र खोले जाते हैं। सस्ती जेनेरिक दवाओं का जो प्रचार प्रसार है वो एक तरह से होगा। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे सनी मालवी, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया है। सनी, क्या जानकारी जिस लेकर औषधि केंद्र का उद्घाटन हुआ, इसके बड़े फायदे तो हैं लेकिन जागरूकता लोगों को कैसे दी जाएगी, और दूसरी तरफ ये बताइए कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले या फिर कुछ खास क्षेत्र हैं चिन्हांकित किए गए हैं जहां पर ये जन औषधि केंद्र खोलने की तैयारी? जी निश्चित तौर पर, जिस तरह से आज स्वच्छता पखवाड़े के तहत जो है प्रदेश के 50 जिला अस्पतालों में औषधि केंद्र का जो है शुभारंभ किया गया है, खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया, और इसके साथ ही जिस तरह से उन्होंने घोषणा की है, राज्यपाल ने कहा कि जेनेरिक दवाइयां लिखे, और डॉक्टरों से कहूंगा कि जेनेरिक दवाइयां लिखे, सरकारी अस्पतालों के बाद जेनेरिक दवाइयों की दुकानें खोले, अस्वस्थता से स्वास्थ्य बिगड़ता, और महात्मा गांधी की स्वच्छता का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि जो जो ये बात बताई है उसको लेकर जाए। इंदौर में कहीं भी कचरा नहीं मिलता, इसके कारण वहीं लोग हैं वहां के कचरा फेंकते हैं, और सफाई की स्वच्छता के लिए जन औषधि केंद्र देश में 10,000 हैं और उन्हें 25,000 करना है, ये गरीबों के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जिस तरह से औषधि केंद्र की बात किया है तो औषधि केंद्र से कहीं ना कहीं बड़े जो गरीब तबका का जो लोग हैं इससे इसको ज्यादा फायदा मिलेगा, और सरकार का जो एक बड़ा कदम जो है बताया जा रहा है। तो बिल्कुल सरकार का बड़ा कदम है, और ये भी जरूर जानकारी दीजिए कि क्या आज खासतौर से प्रधानमंत्री आवास के जो लोग हैं वो वहां पर आज गृह प्रवेश करने वाले थे, तो क्या वो गृह प्रवेश उनका हो चुका है? जी निश्चित तौर पे, जिस तरह से आज जो स्वच्छता पखवाड़े के तहत जो है एक बड़ी घोषणा जो है मोहन यादव ने इसके तहत जो की है कि प्रदेश के सभी सफाई मित्रों को जो है एक बड़ा पुरस्कार जो है प्रदेश सरकार द्वारा मिलेगा, जिसमें सफाई कर्मियों को स्वच्छता अभियान में उनके शेयर को स्टार के हिसाब से जो है पुरस्कार दिया जाएगा। जिसके शेयर का एक स्टार मिलेगा उस शेयर की सफाई मित्रों को 1,000, 2 स्टार वालों को 2,000 पुरस्कार मिलेगा, इसके साथ जो है 7 स्टार तक शेयरों को कैटेगरी दी जाएगी। कुल मिलाकर माना जाए कि स्वच्छता जो पखवाड़ा है आज से शुरुआत हो गई है, प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, इसके वजह से जो है बिल्कुल 16 दिन तक ये स्वच्छता अभियान जो है 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलेगा। तो बिल्कुल 2 अक्टूबर तक ये अभियान चलेगा। दूसरी तरफ ये जरूर बताइए कि मध्य प्रदेश के सिर्फ भोपाल में ही जन औषधि केंद्र या फिर अलग अलग जिलों में अलग अलग क्षेत्रों में? जी निश्चित तौर पे, जिस तरह से आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका उद्घाटन किया है, प्रदेश के सभी 50 जिलों में इसका जो है औषधि केंद्र खोले जाएंगे, जिसमें भोपाल जिला भी इसमें शामिल है, और 50 जिलों में ये औषधि केंद्र खोलने से कहीं ना कहीं एक जो है
जो है सीधा जो है गरीब लोगों को इसका फायदा मिलेगा। तो सीधे तौर पर जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें इसका फायदा मिलेगा, और दूसरी तरफ ये भी उसके लिए कोई आइडेंटिटी दिखानी होगी जन औषधि केंद्र में जब लोग पहुंचेंगे तो। जी निश्चित तौर पर, जिस तरह से सरकार ने अभी जो है एक तरह का जो है शुभारंभ किया है, इसके तहत अभी प्रक्रिया बनाई जाएगी किस तरह से इसका जो है संचालन किया जाएगा। अभी सिर्फ जो है सरकार ने इसका उद्घाटन किया है, आगे इसकी प्रक्रिया तहत जो है गरीब के सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा, तो आगे आने वाले समय में लाभ होगा। और दूसरी तरफ ये जानकारी भी जरूर दीजिए, क्योंकि कई बार होता है कि उच्च स्तर के जो लोग होते हैं वो निम्न स्तर का ही कार्ड बनाकर वहां पर उपयोग करते हैं, ऐसी धांधली को रोकने के लिए भी कोई प्रक्रिया? जी निश्चित तौर पे बिल्कुल, मध्य प्रदेश सरकार स्वास्थ्य को लेकर बेसही चिंताजनक है और लगातार स्वास्थ्य के को लेकर नए नए आयाम वो जो है मध्य प्रदेश में स्थापित कर रही है। ऐसे आयाम जो है आज मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव ने औषधि केंद्र का जो है शुभारंभ किया है, और बिल्कुल जिस तरह से धांधली होती है उसको रोकने का भी लोग लगातार जो है मध्य प्रदेश सरकार जो है प्रयास कर रही है, और लगातार इस तरह के जो कदम जो है मध्य प्रदेश सरकार उठा रही है। जी, तो मध्य प्रदेश सरकार अहम कदम उठा रही है, जन औषधि केंद्र की शुरुआत हुई है, पीएम आवास की भी सौगात मिली है। नजर बनाए रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो 50 जिला अस्पतालों को बड़ी सौगात मिली है। इस कार्यक्रम में नगरीय विकास आवास कैलाश विजयवर्गीय मुख्य अतिथि थे। नगरीय विकास आवास राज्य मंत्री प्रतिभा बागरी अध्यक्षता इसकी करती रही, और 51,000 आवासों में आज गृह प्रवेश भी हुआ है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 का शुभारंभ और पीएम स्वनिधि अंतर्गत PRAIS अवार्ड भी वितरित किए गए।